नमस्कार, हर्षू किचन में आपका स्वागत है। आज हम मैदा का खस्ता बनाना सिखाएंगे। एक करायत है, एक करायत को भी अच्छे से चुन के रखना है। ये मैदा है, मैदे में हम अच्छे से चार के रखे हैं इसे। अब हम इसे इसमें तेल डालेंगे। दो से तीन ग्राम तेल डालेंगे हम इसमें। अच्छे से इसे मिलाएंगे और इसमें और कढ़ाई को भी डाल देंगे। और अच्छे से इसे मिलाएंगे। अब हम नमक भी डालेंगे इसमें। आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पानी डालेंगे इसमें और इसका डो तैयार करेंगे। इसका रोटी के लायक डो तैयार करेंगे। इसी तरह हम डो तैयार करके आधा घंटा के लिए इसे ढक के रखेंगे। डो को आधा घंटे हो गए, अब और हम अच्छे से मिला लेंगे इसे और खस्ता बनाना शुरू करेंगे। इसे हम बेलेंगे। इसका हम पूरी बेल चुके हैं। अब इसके ऊपर में हम तेल लगाएंगे इसी तरह और इसे हम मोड़ेंगे। और तेल लगाएंगे इसमें। फिर और मोड़ेंगे इसी तरह और इसके ऊपर से अब हम बेलेंगे। एक तो हम खस्ता बनाए हैं अभी, अब इसे हम थाली में रखेंगे। फिर और साथ एक दो लेके बनाएंगे दूसरा वाला। सारे खस्ता बेल चुके हैं, अब हम इसे तेल में छानेंगे। ये सान कर चुके हैं हम। अब हम कढ़ाई भी रख दिए हैं, कढ़ाई में तेल भी डाल दिए हैं। अब तेल को गर्म होने देंगे, उसके बाद में हम खस्ता को डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम एक एक खस्ता इसमें तलेंगे। और तेल को हिलाते रहेंगे। तैयार हो गई। इसी तरह हम सारे खस्ता एक एक करके निकालेंगे।
इसी तरह हम सारे खस्ता कर लेंगे और उसके बाद में हम दिखाएंगे। खस्ता बनकर तैयार हो गई। खस्ता कैसी बनी हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।